सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस रैली के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्रीमती नीरा रावत जी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती पद्मजा चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस बाइक रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्मिक और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में वर्ष में दो बार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में एक नए विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन तीन मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही, महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का यह कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अक्सर होता है सरकार कार्यक्रम चलाती है, शासन की नियत कभी खराब नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के लिए कार्यक्रम होता है उनको पता ही नहीं होता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को सही जानकारी हो जाए, उनको समय पे जानकारी हो जाए। हम अक्सर देखते हैं शासन की कोई भी योजना चलती है, जो उसके पात्र हैं या जिन लोगों के लिए योजना है उनको दूर दूर तक पता नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए इस समय एक समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा के लिए आज यह जागरूकता रैली और इसके उपरांत हर जनपद में कार्यक्रम होंगे, स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां निकल रही होंगे। इसके अलावा उन जनपदों में
महिला सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, सम्मान से जुड़े हुए क्षेत्र में, स्वावलंबन से जुड़े हुए क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का एक कार्यक्रम और उसके बाद कल से फिर ये कार्यक्रम हर एक स्तर पर प्रारंभ होंगे, जिनमें जनपद स्तर पर एक और हर गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की नारी गरिमा सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी वहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए हैं लेकिन इसकी जानकारी जो उसका निधि है उस तक नहीं पहुंच पाया है, चाहे वह 181 है, एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा में किस प्रकार का सहायक हो सकता है, वन स्टॉप सेंटर की क्या भूमिका हो सकती है, 1090 ये किस रूप में सहायक हो सकता है, या फिर अन्य जो इमरजेंसी कॉल के नंबर हैं इनका उपयोग किस रूप में कोई कर सकता है, इन सब के बारे में जागरूकता भी वहां पर देने के कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे, वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम है, एक दिन के लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश में इस दिशा में पहले से किए गए प्रयास, बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रयास किए गए थे उसके परिणाम आए हैं, तो अब इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चतुर्थ संस्करण में दिखना चाहिए। अलग अलग स्तर पर भी इसके बारे में कार्यक्रम चलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बनकर के, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया, आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती हैं, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले झांसी में भी 2019 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था, गांव की 5-7 महिलाएं ऐसी मिली मुझे, उन्होंने कहा हमें कुछ नौकरी या रोजगार कुछ दे दिया जाए, हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उन लोगों से कौन कहां तक पढ़ाई की है, तो कोई 3री क्लास पास थी, कोई 5वीं क्लास पास थी, जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी वो 8वीं क्लास पास थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना होती है और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष के अंदर उनका कार्य प्रतिवर्ष 150 करोड़ का उनका टर्नओवर है और लगभग 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है उनको। 40,000 महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार का समर्थन होना चाहिए, प्रशासन सकारात्मक भाव के साथ अगर उनके साथ खड़ा हो जाए वे कुछ भी कर सकती हैं। और प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को इस अभियान को लीड करना चाहिए, जिससे आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है, इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान, और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे, लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं।
बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दिशा में रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।